दिव्य हिमाचल कांगड़ा न्यूज ब्रॉट टू यू बाय विरमानी स्किन केयर नगरोटा बगवा कांगड़ा, जहां आपको मिलेगा अपनी त्वचा से जुड़ी हर समस्या का समाधान। अपने शरीर के अनचाहे बाल हटाना या झड़ते बालों का रोकना, चिकन पॉक्स, मुहासे, सर्जरी के बाद के निशान, इनका बेहतरीन ढंग से इलाज। डॉक्टर मल्लिका अरोड़ा MBBS MD स्किन अपनी त्वचा संबंधी समस्याओं के निदान के लिए आज ही मिलिए। कुहलों का अस्तित्व बचाने के लिए आज तक सरकारों का मुंह ताकते रहे स्कू के ग्रामीण अब संघर्ष के मूड में हैं। रविवार को वार्ड नंबर 9 की पार्षद सुषमा रंधावा की अध्यक्षता में बुलाई गई एक बैठक में प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका कहना है कि अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो कोई दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा। किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन सिंचाई नहीं होने के कारण बंजर में तब्दील हो चुकी है। कई जगह पुरानी कूलों के डंगे ढह गए हैं, मगर प्रशासन को बार बार कहने के बावजूद कोई उपाय ढूंढा नहीं गया। पार्षद सुषमा रंधावा ने बताया कि वे ग्रामीणों के साथ 31 अक्टूबर को जिलाधीश कांगड़ा से मिलेंगे। क्योंकि हमारा जो लगभग एरिया आता है वो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है जी। जो हमारे आम जो जनता है वो खेती बाड़ी से जुड़ी है, इसी से अपनी वो मतलब कमाई कमाती है। तो ये कि आज हमारी कुलें वो बिल्कुल पिछड़ी हुई है, इन कुलों की बिल्कुल भी देख रेख नहीं है। जगह जगह देखा जाए तो पूरी गंदगी से भरी हुई है, एक तो दूसरा जगह जगह से टूटी हुई है। अभी जैसे खेती का काम स्टार्ट होने वाला है, अभी धान की उसकी कनक की फसल बीजी जाएगी, खेतों में पानी लगाना है, तो समस्या ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो मैं तो ये बोलूँगी कि हम मतलब बाड़वासी उठकर चले और DC सर से मतलब बात करें कि क्या हमारी मतलब कुलों के लिए क्या प्रावधान है। तो इससे पहले कोई प्रस्ताव नहीं पास किया आपने? इससे पहले मैंने खुद अपने बलबूते पे जो करवाया है और कुछ जो निगम से हेल्प मिली है मुंडा के थ्रू, जो मैंने कार्य करवाए हैं, जो डंगे वगैरह लगे हैं और जो 10 साल से कुल बंद पड़ी थी, मैंने उसका काम करवाया हुआ है। और अभी भी मैंने सॉइल कंजर्वेशन से भी मैंने काम चलाया, वो तो थोड़ा बहुत मैं कर रही अपने से, मैं अपने लेवल पे मैं कर रही हूँ। बट लेकिन अभी देखा जाए तो पिंगल नाला में कितने बड़े बड़े डंगे गिरे हुए हैं और अभी जो गुली जो हमारे नीचे वाली कूल है उसके भी कितने डंगे गिरे हुए हैं। तो अभी तो हमें तुरंत कोई प्रावधान इसका रखना पड़ेगा ताकि सर हमारी 4 गाँव की जो है पूरी भूमि बंजर हो रही है, ड्यू टू कूल का काम कुछ नहीं हो रहा है, पूरी लाने पड़ी है, कोई पैसा है नहीं। हम किसी के पास जाते हैं बोले हमारे पास पैसा नहीं है, तो अब वो कैसे होगा? तो हम ये चाहते हैं कि DC साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा कुछ ये करे ताकि पूरे जिम्मेदार जो है अपनी इसको ये करें। आज ये मीटिंग किस लिए बुलाई थी? मीटिंग पूल के लिए। अच्छा, तो क्या डिसाइड हुआ जी? अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, अभी तो अगर कोई नहीं मानते तो हम अपने पैसे डालेंगे, DC के पास जाएंगे और हम जबकि DC रखेंगे क्योंकि हमारा इतना जो एरिया, जबकि DC साहब का हमारा कर्तव्य है, DC साहब है, फंड मिल रहे हैं औरों के, तो हमें भी मिलना चाहिए। कोई JCB दे दे जो इमरजेंसी हमारे इतना, कहाँ से करेंगे। थैंक यू।